हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बैनर्जी। हम जैसलमेर से करीबन 9 बजे निकल गए लौंगेवाला युद्ध स्थल जाने के लिए। आप रास्ता देख सकते हैं, दोनों तरफ रेगिस्तान, बीच में सिर्फ एक रास्ता बना हुआ है। रास्ता काफ़ी अच्छा है जाने के लिए। करीबन 10:30 बजे के आसपास हम लोग लौंगेवाला पहुँच जाए। हेलो दोस्तों, करीबन जैसलमेर से 1.5 घंटा ड्राइव करके हम फाइनली लौंगेवाला चेक पोस्ट पहुँच चुके हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है, पूरा टूर आप लोगों को कराएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। पूरा रेगिस्तान है चारों तरफ, उसके बीच में पोस्ट है। यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर में लौंगेवाला बॉर्डर है, जहाँ पे 1971 की जंग लड़ी गई थी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या इसमें है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 1971 के जंग में 179 पाकिस्तानी सोल्जर्स, 37 टैंक और 138 गाड़ियाँ उनके डिस्ट्रॉय किए गए थे सिर्फ हमारे 120 जवानों द्वारा। लौंगेवाला 1971 की डिटेल में लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे पाकिस्तान का टैंक रखा हुआ है जो डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में लेके यहाँ पे लौंगेवाला पोस्ट में हमारे इंडियंस के लिए इसको देखने के लिए रखा गया है। इसके पूरे डिटेल नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। आप टैंक देखेंगे, इसमें पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है, टैंक T-59। वाला जैसलमेर में है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टैंक रखे हुए हैं, जीप रखे हुए हैं, अपना रॉकेट लॉन्चर्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप अशोक स्तंभ भी देखेंगे। रेगिस्तानी रेगिस्तान है आजू बाजू में। ये जैसलमेर से 125-130 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जैसलमेर से आने के लिए करीबन 1.5 घंटे के ऊपर समय जाता है। यहाँ पे आएंगे फिर सिर्फ मिलिट्री मैन आपको मिलेंगे, मिलिट्री मैन छोड़कर आपको दूसरे लोग नहीं मिलेंगे। मिलिट्री मैन ही जो टूरिस्ट आते हैं उनको बताते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं, यहाँ की जानकारियाँ देते हैं। आप ये देखेंगे ये लौंगेवाला का बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे चीज़ें बताती है। बाकी आप वहाँ पे देखेंगे ट्रक दिखेगा आपको, टैंक दिखेंगे, और वहाँ पे बंकर्स, जीप्स ये सब लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों एकदम वॉर फील्ड बना हुआ है, और यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर लौंगेवाला बॉर्डर है, जहाँ पे 1971 की वॉर लड़ी गई थी। आप देख सकते हैं पूरा रेगिस्तान है, और गर्मियों में यहाँ पे करीबन जो टेम्परेचर होता है 55 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसमें रेत इतना गर्म होता है जिसके अंदर ही हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे मिलिट्री मैन, हमारे आर्मी रहती है, और उसी के अंदर वो लोग सर्वाइव करती है। यहाँ पे एक बीच में रोड जैसा बना हुआ है, और रोड के दोनों तरफ कुछ बहुत अच्छे लाइनें लिखी हुई है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप वो लाइनें पढ़ सकते हैं। इस लौंगेवाले वॉर के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, जिस मूवी का नाम था फिल्म बॉर्डर, जिसमें वॉर को और उनके हालात को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया था। यहाँ पे आगे देखेंगे एक बंकर बना हुआ है।
ये बंकर है, इसमें छोटे छोटे खिड़कियां बनी हुई है। जब हमारे सिपाही इसके अंदर रहते हैं, सामने बॉर्डर की उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से लोग अंदर आ रहे बाहर आ रहे, इसी खिड़की से देखते हैं। इसे बंकर कहते हैं। अंदर इस तरह से दुश्मनों के ऊपर नजर रखी जाती है। यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता है बंकर में से, और ये दुश्मनों के छुप के नजरों से बचा रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे एक जीप राइफल है। एक जीप के ऊपर ये राइफल बंधा हुआ रहता है, इसको बॉर्डर पे ले जाके वॉर के टाइम पे रखते हैं और इससे फायर किया जाता है, जिसमें पीछे से जो जगह है यहाँ से गोला अंदर डालते हैं और इसको फायर करते हैं। जीप रेत के ऊपर चल जाती है, इसलिए इसको जीप में बांधा जाता है। और ये काफी हल्की होती है, तो जीप रेत में धंसती भी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे एक और बंकर बना हुआ है, जो हमारे जवान सैनिक इसमें बैठ रहते हैं, रह के दुश्मनों पे नजर रखते हैं उसके खिड़कियों से। लौंगेवाले का म्यूजियम है, अभी हम लोग अंदर जाके देखेंगे इसके अंदर क्या है। वॉर म्यूजियम है ये, इसमें कई तरह की चीजें बताई गई हैं अंदर, छोटी बड़ी। ये पाकिस्तानी का डिस्ट्रॉयड टैंक है, जो 1971 के वॉर में जब हम जीते।
एक अंडरग्राउंड बंकर है जहाँ पे हमारे सैनिक, हमारे फौज रहती है। ये लौंगेवाला में बना हुआ है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अंदर 1971 में जो जंग जीते थे उसके सब असला बारूद जो भी पाकिस्तान के थे वो इसके अंदर रखा गया है।